हाय गाइस, हम लोग लाइव आ चुके हैं। आई होप आप लोग भी ज्वाइन कर लें और फ्री हो गए हो। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सॉरी गाइस, मैं आप लोगों के कॉल का या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे कॉल्स आ रहे थे जिस वजह से मुझे फ़ोन को इग्नोर करना पड़ गया। और कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहने हैं मैंने क्योंकि दिवाली थी। चलो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े अच्छे कपड़े पहन लूं। हैप्पी दिवाली बहन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सभी को। और कैसी रही आप लोगों की दिवाली? मेरी तो वैसी थी जैसे नॉर्मल डे था, बस कपड़े साफ थे और थोड़े आज लग ठीक ठाक रही हूँ बस। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली दी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सभी का। थैंक यू जिन्होंने भी मुझे कॉल मैसेज करा। क्रैकर साउंड बहुत बेकार है, बहुत बेकार लोग हैं यहाँ के, कतई अनपढ़ गवार। तो मैं नहीं रिवर्ट कर पाई क्योंकि ऐसे कॉल्स थे जो गुस्सा दिला रहे थे अंदर से कि आप कुछ भी कर लो, आप किसी भी मुकाम पे आ जाओ, घटिया लोग आपके इर्द गिर्द मिलेंगे। और मुझे ना चाहते हुए फ़ोन को साइलेंट करना पड़ गया क्योंकि लोगों ने अत कर दी थी कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स, वो भी घटिया। आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करनी है। देखिए, एक तरीका होता है आप किसी से बात करने का, स्पेशली उनका जो कोई एक सोशल वर्कर है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ औरत से ही बात करने का एक तरीका होता है, एक आदमी होता है। आप उनको ऐसे कॉल्स कर रहे हो कि आप खुद अपनी बहन को वैसे कॉल्स करना नहीं पसंद करोगे, ना कोई आप चाहोगे कि आपकी बहन को वैसे कॉल्स आए। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। किसी को घटिया कॉल करने से पहले ये सोचें कि आपकी माँ या आपकी बहन के पास ऐसे कॉल्स आएंगे तो आपकी उस टाइम पर पोजिशन क्या होगी। पुलिस कंप्लेंट, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कंप्लेंट्स करके, ना कुछ होना है इनके खिलाफ, ना ही उन लोगों ने सुधरना है। ये लोग तब तक नहीं सुधरते जब तक इनकी खुद की माँ बहन के साथ ये सब चीजें नहीं होती। और मैं नहीं चाहूंगी। हैप्पी दिवाली, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका भी पेज देखती हूँ, बहुत खुशी होती है कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सॉरी आपके ये सब फेस करना पड़ता है। देखो ये चीज नॉर्मल है, मैं चाहे इस फील्ड में हूँ चाहे किसी भी फील्ड में हूँ, मुझे हर चीज फेस करनी पड़ेगी। हर इंसान को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान की जिंदगी बहुत आसान होती है। हैप्पी दिवाली, प्राउड ऑफ यू। फालतू लोगों की बातें डिस्टर्ब नहीं होते। देखो मैंने आपको कहा ना, जिंदगी में आपको हर चीज मिलती है। अगर आपको कुछ अच्छा मिला तो बुरा भी मिलेगा। एक बार पुलिस कंप्लेन कर दो, करी है तभी कह रही हूँ कुछ नहीं होता। हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज रात में भी मैं लाइव आऊंगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि वहां पे लोग पटाखे काफी जला रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाया था बट नहीं समझ रहे हैं, तो बच्चे थोड़े से परेशान हो रखे हैं, तो मेरे जाने से वो थोड़े खुराफाती हो जाते हैं काफी। तो मैं रात में जाऊंगी जब सब शांत हो जाएंगे, जब सबका पटाखे जलने बंद हो जाएंगे ना, तब जाऊंगी मैं हैप्पी, और वहां से मैं लाइव आऊंगी। हैप्पी दीपावली सिस्टर, मैम टाइगर कैसा है? टाइगर अच्छा है, ठीक है। हैप्पी दिवाली, जय श्री राम। आज मैंने लाइट लगा रखी है क्योंकि यार यहाँ लाइट की कमी थी। बगल वाले में मेरी मदर रेस्ट कर रही है आज, उनकी तबीयत काफी खराब है, तो मैंने कहा चलो यार आज जैसे तैसे एडजस्ट करके आज लाइव आ जाती हूँ। रात में तो शेल्टर से आना ही आना है। बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चे एकदम बेहतर है। मैं रात में लाइव आऊंगी वहां से तो अपडेट दूंगी, बिल्कुल दूंगी। टाइम बोलो सिस लाइफ का, मैं टाइम नहीं बता सकती। जैसे बम पटाखे फूटने बंद हो जाएंगे मेरे इधर, मैं लाइव आ जाऊंगी। अभी भी कुछ लोगों की ऐसी तैसी हो रही है, बड़े पैसे है। मैं तो कहती हूँ बम पटाखे जलाने से अच्छा जितने का बम पटाखा जलाओगे उतने का पैसा जला दो। बात करता हूँ, पिज्जा है आ गई हूँ शेल्टर से। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम। अच्छा आप लोग की दिवाली कैसी रही? आप लोगों ने कैसे मनाया? मैंने तो अपना शेयर कर दिया, आप लोग बताओ आप लोगों की दिवाली कैसी रही। अब बिग फैन, ये स्पेशली लाइव उन लोगों के लिए है जो मुझे विश करना चाहते थे बट नहीं कर पाए
क्योंकि मैं कॉल नहीं उठा पाई. हैप्पी दिवाली आप सभी को, और थैंक यू सो मच आप सभी ने मुझे विश करने के लिए कॉल करा बट मैं नहीं उठा पाई. पैसे बहुत प्यारे उनको तो. अरे पागलो, हैप्पी दिवाली ब्यूटीफुल, हैप्पी दिवाली नूरदीप. अरे जब तुम्हें पैसे प्यारे तो पटाखे भी तो पैसों से ही आ रहे हैं, कौन सा तुम पागल कहीं के. तो यार तुम ये सोचो ना कि पटाखे भी तो वेस्ट ऑफ मनी है, हद कर रखा है. एक्सक्यूज है बट नो आंसर. मैंने आपको, आप लोग बड़े आसानी से कहते हो नो आंसर, फोन नहीं उठाया, फलाने ने तो फोन ही नहीं उठाती. अरे यार तुम ये भी तो सोचो, फलाना काम भी कर रहा है, रेस्क्यू भी कर रहा है, डॉक्टर विजिट कर रहा है, शेल्टर संभाल रहा है, घर पे रखे हुए बच्चों को संभाल रहा है, फिर उसको घटिया कॉल जा रही है या सही कॉल जा रही है. अब पता है आपको वहां लिखा नहीं आता ये घटिया कॉल, घटिया नियत से कॉल कर रहा है, ये साफ नियत से कॉल कर रहा है, ये रेस्क्यू के लिए कॉल कर रहा है. और मैं एक बात कहूं, मेरे को पहले लगता था जो लगातार कॉल करता है ना, लगातार कॉल पे कॉल, उसको अर्जेंट है. बट अब मुझे समझ आया वो गधे हैं, और उन गधों को सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए मुझे कॉल करना है, क्योंकि उनको कोई लाइफ में उनका एंटरटेनमेंट नहीं है. अब प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रही हूं, मेरे पास घटिया कॉल्स मत करो. मैं वो नहीं हूं तुम्हें एंटरटेन करने बैठे मैं सुन लो, बिकॉज यू. थैंक यू सो मच. आप अनफॉलो कर सकते हैं, मेरे पास इतना वो नहीं है. अरे यार हर इंसान की अपनी मान्यता है, तुम तो पागलपन कर रहे हो. प्लीज मैं वो लड़की नहीं हूं तुम्हें एंटरटेन करने बैठूंगी. और हां जी आपने मुझे मिस करा, मैं भी आपको मिस कर रही हूं. अरे भाई तुम अपने काम से काम रखो, मुझे फोन मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगी, बात खत्म. मेरे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है ब्लॉक का फोन में, जो सबके फोन में दे रखा है. और जिसको अनफॉलो करना है कर सकते हो, जस्ट बिकॉज मैं फोन आंसर नहीं कर रही, जस्ट बिकॉज मैं गॉड की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूं, पता नहीं मैंने यहां कहां भगवान की डिसरिस्पेक्ट करी. यू कैन अनफॉलो, मैं कुछ नहीं कहूंगी. जितना तुम्हें भगवान का सही मतलब भी नहीं पता होगा ना, उससे ज्यादा मुझे अच्छे से पता है. ठीक है, तुम जाके मंदिर में पूजो, मैं भगवान को मेरे तरीके से पूजूंगी. हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली घटिया लोगों की. अरे उड़े भी तो, मैं तो उड़ा दू. हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली आपको. और अरे मैं तो एक चीज देख के हैरान हूँ, क्या हुआ था कि मैंने अपने टैग्स देखे थे, मैं अक्सर देखती हूँ कि कोई ऐसा रेस्क्यू का तो नहीं कर रखा किसी ने मुझे टैग, तो वहां पे देख रही हूँ मेरे इतने फैन पेज बन गए, मैं खुद हैरान हूँ यार ये कैसे बन गए मेरे फैन पेज, मैं खुद हैरान हूँ. आज एक्चुअली मैं अपने आज मन की बात कर रही हूँ, मैं कहा चलो यार लाइव आ जाऊं. हाय हेलो, लव यू डियर, दिल से आपको. लाइव ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि रात में भी लाइव आना है. ठीक है, और मैम हाँ जी बोलिए प्लीज. मैंने पटाखे नहीं फोड़े मैडम, हैप्पी दिवाली, बहुत अच्छा काम करा, फटाके मत फोड़ो. देखो मैं कहूंगी कि आपको अगर पैसे प्यारे हैं ना, तो प्लीज फटाकों में या बम क्रैकर्स में मत वेस्ट करो. वो आप खुद ध्यान से सुनो, आप अगर नोट करोगे ना, वो आपको भी साउंड घटिया सुनाई देगा. ढंग से सुनाए तो वो जस्ट छोटा सा एंटरटेनमेंट. अरे तुम खुशी में और बेफिजूल की खुशी में फर्क समझना सीखो. मैं ये नहीं कहती कि हम सेवा कर रहे तो तुम भी सेवा घुसने आ जाओ. नहीं, देखो खुशी वो होती है कि वो खुशी आपके लिए और आपके साथ में सबके लिए खुशी हो. अगर हमारे बम पटाखे मैं भी फोड़ती थी, मैं कहूँ नहीं मैं तो नहीं फोड़ती थी, मैं तो सत्यवादी थी, नहीं ऐसा नहीं था. जब मुझे सही मायने पर ये समझ आया, मुझे जब ये समझ आया ना कि यार जानवरों को इससे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे जानवरों से प्यार है, तो मैंने वो चीज बंद कर दी. पैसे बचे, जानवर के कान बचे, वो जो डर डर के भागते थे वो हमारे घर के आगे बैठ जाते थे. मैं लड़ती थी अपने, हकीकत में अपने गली में लड़ती थी कि यार मत फोड़ो मत फोड़ो. मुझे हैप्पी दिवाली बोलने में मत फोड़ो, तो वो चीज मुझे समझ आई. देखो बम फटा के फोड़ो कि कुछ नहीं मिलना. अगले सुबह पोल्यूशन, रोडों पे गंदगी जो तुमने साफ नहीं करनी. आपका नाम क्या है? जागृति मिश्रा. मैं भी नहीं फोड़ती फटाके. हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सिस्टर. देखो आप, मैं
जानवर के लिए नहीं, हर किसी के लिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए सोचो। अगर कोई इंसान स्वार्थी हो रहा है तो एक हद तक स्वार्थी, स्वार्थीपन अपने तक अच्छा लगता है, दूसरों तक अच्छा नहीं लगता है। एक तो बिस्तर पे सो रही है, एक इधर सो रही है। वही मैं पूछ, मैंने इस कैट के लिए, मेरे पास ऑलरेडी कैट थी दो, और मेरे पास जो भी है जिसको मैंने अडॉप्ट करा है फाइनली, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, और मैंने उसके कैट के अडॉप्शन के लिए बहुत ट्राई करा था, बट जिस तरीके से लोग मुझे मना करते थे ना कि नहीं यार इसकी तो एक आंख नहीं है, अरे ये तो फीमेल है, अरे यार इसकी एक आंख नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर मुझे समझ आया कि एनिमल लवर लिख देना अपने बायो में और खुद को एनिमल लवर बुलाने में और एनिमल लवर होने में ना फर्क होता है। देखना मम्मा एक बार। चलो फिर मैं लाइव को एंड करती हूँ। कैट कहाँ है रुको दिखाती हूँ। एक ये सो रहा, एक उसकी कुर्सी के नीचे सो रहा है। ये भी कोई मुझे इसी साइज में कोई दे गया था, इसके पैर में, पीछे के पैर में दिक्कत थी, शायद डॉग्स अटैक कर रहे थे या फिर कोई गाड़ी हिट कर गई थी जिस वजह से इसके पैर में दिक्कत आई थी और ये वापस जा नहीं पाया। एक्चुअली ये मेल है, इसका भी न्यूट्रल कराना है। जब ये हमारे पास आया था तो काफी मतलब हल्का फुल्का था, ज्यादा वेट नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा गेन कर रहा है। मैं इसको ले जाके न्यूट्रल कराऊंगी। बहुत मारेंगे अगर पता क्या फोड़ने के सोचा तो। अच्छा चलो फिर, एक वहां बिस्तर पे सो रही है मस्त और एक कुर्सी के नीचे सो रहा है, एक मेरे पैर के नीचे सो रहा है। तो चलो हैप्पी दिवाली आप सभी को और मिलते हैं रात में। चलो टेक केयर, हैप्पी दिवाली। और क्या नाम है इसका, इसका नाम कुछ नहीं है, मेरी मम्मी बस म्याऊ म्याशाओ म्याशाओ। एक्चुअली मेरे ब्लैक वाली कैट का है, उसको शायद मैंने दिया था या मेरी मदर ने दिया था, मुझे याद नहीं, बट दिया था, जिसने भी दिया था दिया था। और म्याशियाओं तो हम म्याशियाओं बोलते हैं तो तीनों दौड़े आते हैं। ठीक है तो चलो हैप्पी दिवाली, रात में लाइव आते हैं, प्लीज जुड़ना। और हैप्पी दिवाली आप सभी का, थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट करा। और ये बम फोड़ने वाले पता नहीं खुद क्यों नहीं फूट जाते। जाओ जाओ बिस्तर पे जाओ। चलो टेक केयर, बाय बाय। चलिए बाय।